I'm Ipshita and welcome back to my channel Ipshita's Vibes. So guys, आज का video is going to be a review video and इसमें मैं वाओ के products का review करने वाली हूँ जिसको मैंने last video में आप लोगों के साथ share किया था. मैंने वाओ से तीन products खरीदे थे and तीनों products का मैं आज review करने वाली हूँ. So without wasting any more time, let's move on to the video. So the first product that I'm going to review is this one. This is the green tea under eye cream with roll on जो मैंने खरीदा था वाओ से. मैं सबसे पहले इसका price बताऊंगी and then I will tell you the pros and the cons of the product. So this is a 20 ml pack and its MRP is at 399 rupees. And guys, ये बहुत ही अच्छा इसका packaging है. Normal जो under eye creams होते हैं, it's absolutely like that. बट इसमें जो एडेड एडवांटेज है दैट इज द रोलर्स जो कि यहाँ पे आपको बिल्कुल इसके यू नो फ्रंट एंड में ही मिल जाएगा. सो आप जब भी इसको अप्लाई करोगे आपको ये रोलर्स यूज करना ही है. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो दिस कंसिस्ट ऑफ ग्रीन टी, एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्ट, हाइलुरोनिक एसिड एंड लिकोरिश एक्सट्रैक्ट. सो इन चारों इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन इज जस्ट मैजिकल गाइज. लिकोरिश एज यू ऑलरेडी नो आपकी स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करता है. सो दिस इज समथिंग विच रियली works well on dark spots around your eyes. And hyaluronic acid and green tea extracts are something which are anti-aging. So आपके eyes के around जितने भी हल्के पुलके wrinkles होंगे वो इसको गायब कर देता है. Trust me guys, I have been using this for the past 2 weeks and I think I'm eligible enough कि मैं इनको अभी review कर सकती हूँ. And trust me, इसका effect बहुत अच्छा रहा है. And the aloe vera extract which is present in it is another amazing ingredient जो कि आपके skin को soothe करता है. And इसीलिए जब आप इसको लगाओगे ना आपको एक बहुत कामिंग एंड कूल इफेक्ट मिलेगा. सो नाउ कमिंग टू द कॉन्स ऑफ द प्रोडक्ट. मैंने इस प्रोडक्ट को जब यूज करना स्टार्ट किया बिगिनिंग में आई यूज टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ बर्निंग सेंसेशन अराउंड माय आईज. आई डोंट नो व्हाई बट अगेन विद टाइम ये धीरे धीरे मेरी स्किन को सूट करने लगा एंड ट्रस्ट मी इफेक्ट बहुत अच्छा था गाइज. मैंने ऑलरेडी पिक्चर्स अटैच किए हैं साइड में, आप देख सकते हो. जो पहला पिक्चर है इट इज द फर्स्ट डे ऑफ एप्लीकेशन एंड आप देख सकते हो कि मेरा अंडर आई एरिया काफी ज्यादा सोल था एंड इट वॉज ऑल्सो यू नो लाइक डार्क सर्कल्स वॉज काफी प्रोमिनेंट. बट आफ्टर 2 वीक्स यू कैन सी द रिजल्ट. इट्स रियली रियली गुड, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है. मैं इसको एवरी नाइट यूज करती हूँ. मैं पहले अपना स्किन केयर कर लेती हूँ एंड दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट विच आई अप्लाई. एंड इसको ना मैं बहुत अच्छे से मसाजिंग करती हूँ. एज आई टोल्ड यू कि इसमें जो रोलर्स है दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कि आप जब भी अप्लाई करोगे ना आपको मसाज करना ही पड़ेगा बिकॉज इज नो अदर वे आउट. सो दैट इज वाई मसाज करना ही है. एंड यू ऑलरेडी नो कि मसाजिंग कितना अच्छा ऑप्शन है फॉर रिड्यूसिंग पफिनेस, राइट? सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट दिस प्रोडक्ट फॉर ऑल दोज पीपल जिनके आंखों में पफिनेस है, यू नो अंडर आईज में पफिनेस है एंड थोड़ा बहुत डार्क सर्कल्स भी पड़ा हुआ है. सो इफ यू आर वन ऑफ देम देन प्लीज डू गो एंड ट्राई दिस आउट. दिस इज अ वेरी इफेक्टिव प्रोडक्ट और विद इन 2 वीक्स आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा. एंड आउट ऑफ 10 मार्क्स आई एम गोइंग टू गिव इट अ 9. मैं 1 मार्क इसीलिए काट रही हूँ क्योंकि इनिशियली जब मैंने इसको यूज किया था एज आई टोल्ड यू थोड़ा बर्निंग सेंसेशन हुआ था. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव नो अदर इश्यूज विद दिस प्रोडक्ट. दिस इज अ ग्रेट प्रोडक्ट, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. सो गाइज द सेकंड प्रोडक्ट विच आई एम गोइंग टू रिव्यू इज दिस वन. दिस इज द विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश फ्रॉम वाओ. जो मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता ही होगा कि मुझे सिलिकॉन ब्रश एप्लीकेटर वाले फेस वॉशेस, स्पेशली फोमिंग फेस वॉशेस बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि आई हैव ना पोर्स का इशू. सो दैट इज वाई ये जो सिलिकॉन ब्रशेस होता है ना दैट एक्चुअली डीप क्लेंजेस माई स्किन एंड दैट इज वाई आई टोटली लव दीज. एंड इसमें भी वही सेम सिलिकॉन ब्रश एप्लीकेटर है एंड दिस इज अ फोमिंग फेस वॉश. सो इसका फॉर्मूला काफी ज्यादा जेंटल है, वेरी माइल्ड ऑनेस्टली. सो दिस इज अ 150 ml पैक विच MRP इज एट 399 रुपीज. एंड प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखो तो काफी ज्यादा अच्छा है. आप मामा अर्थ का फोमिंग फेस वॉश देख लो, आप डॉक्टर सेठ का फोमिंग फेस वॉश देख लो या फिर प्लम का फोमिंग फेस वॉश देख लो, दे ऑल आर रेंज बिटवीन दीज प्राइजेस ओनली. सो आई थिंक इट इज रीजनेबली प्राइस्ड. दिस कंसिस्ट ऑफ विटामिन सी, लेमन ऑयल एक्सट्रैक्ट, ऑरेंज ऑयल एक्सट्रैक्ट एंड इट ऑल्सो हैज लिकोरिज एंड मलबरी एक्सट्रैक्ट. तो इसमें जो ऑरेंज ऑयल एक्सट्रैक्ट है ना गाइज दैट इज द मेन थिंग कि इसको बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस वो प्रोवाइड करता है. बिल्कुल ही एकदम ऑरेंज ऑयल का जो स्मेल आता है ना वैसे ही आता है. सो जब आप इसको अप्लाई करोगे तो यू विल फील रिफ्रेश एंड ऊपर से इट रियली क्लेंजेस वेल एंड इट हैज अ वेरी माइल्ड इफेक्ट. बिल्कुल स्किन को ड्राई नहीं करता है एंड इट इज ऑल्सो सिलिकॉन, पैराबेन एंड सल्फेट फ्री. सो दैट इज वाई इट इज एब्सोल्यूटली
वेरी स्किन फ्रेंडली। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज कि ये बिल्कुल ही ऑयल को बिल्डअप होने नहीं देता है। ट्रस्ट मी गाइज, ये मैंने पिक्चर ऑलरेडी अटैच किया है जहाँ पे मैंने पहले फेस वॉश कर लिया है। सो दिस इज अ फेस वॉश वाला पिक्चर। सो इमीडिएटली आफ्टर वॉशिंग योर फेस विद दिस फोमिंग फेस वॉश, योर स्किन विल लुक लाइक दिस। एंड फिर उसके बाद ना आफ्टर 3 आवर्स आई हैड ट्राइड एंड आई सॉ कि ऑयल सीक्रेशन काफी कम होता है। मेरा जो टी जोन है इट इज एक्सट्रीमली ऑयली। सो नॉर्मल फेस वॉशेस जब मैं यूज करती हूँ ना 2-3 घंटे में ही ऑयल सीक्रेशन फिर से वापस से स्टार्ट हो जाता है। बट ये यूज करने के बाद ट्रस्ट मी आफ्टर 3 आवर्स यू कैन सी द रिजल्ट। मेरा ऑयल सीक्रेशन काफी कम था, बहुत ही लिमिटेड था। सो दैट इज समथिंग विच आई लव्ड अबाउट दिस प्रोडक्ट। एंड जिन लोगों को भी ऑयल सीक्रेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ऑयली फेस है, इफ यू हैव एन ऑयली स्किन टाइप, आपको एक्ने का प्रॉब्लम है या फिर आपका टी जोन बहुत ज्यादा ऑयली है, देन दिस हैज टू बी योर गो टू फेस वॉश। नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉन ऑफ द प्रोडक्ट, ऑनेस्टली देर इज नथिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट दिस फेस वॉश। सो इट हैज ऑनेस्टली नो कॉन्स, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी इसमें कोई भी कॉन नहीं है। ये ना मैं बहुत हाईली सजेस्ट करूंगी फॉर ऑल दोस पीपल who have oily skin type and have got acne and pimple ka problem, you can definitely go for this one. This is a very very mild face wash, bahut acche se cleanse karta hai. Maine already ye product khatam kar liya hai, this is an empty bottle. Honestly maine fir se aur ek order kar diya hai jo ki I think 2-3 days mein milne bhi wala hai. Wow ka delivery is really good. Like once you order within 3-4 days ya maximum 5 days tak aapko product receive ho jata hai. So I'm really waiting for my face wash to come. So I would rate it at a 10 out of 10, no complaints from this product. So wow, thumbs up for this. So coming to the third and the last product which I'm going to review in this particular video is this one. This is the Wow Niacinamide Purifying Toner. And this toner is something which I'm currently in love with. This product is extremely mild. So this is a 200 ml pack and it MRP is at 399 rupees. So compared to its other counterparts, ye kafi reasonable hai. So you can definitely try this one. So now coming to the pros of the product. So isme basically cucumber extract hai, विटामिन B3 है, नियासिनामाइड है, विच हेजल है एंड एलोवेरा जेल है। सो देर आर लॉट्स ऑफ गुड इंग्रेडिएंट्स जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट बहुत ही बेनिफिशियल बन जाता है। इट एब्सोल्युटली बैलेंसेज एंड मेंटेन्स द पीएच ऑफ योर स्किन एंड इसके अलावा आपकी स्किन को एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। एंड एज आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर द पास्ट 2 वीक्स, मुझे मेरे ऑयल सीक्रेशन में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट मिला है। ऑब्वियसली दैट फेस वॉश इज वन रीजन एंड दिस इज ऑल्सो द अदर रीजन बिकॉज ऑफ विच मेरा ऑयल सीक्रेशन काफी ज्यादा कंट्रोल्ड है राइट नाउ। एंड आई वुड हाईली सजेस्ट दिस वन फॉर दोज पीपल हु हैव ऑयली एंड पिंपल प्रोन स्किन। सो दिस कंसिस्ट ऑफ नो पैराबेन, नो एल्कोहल एंड नो सिलिकॉन। सो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है एंड ये पोर मिनिमाइजिंग में भी बहुत ज्यादा काम करता है, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। एंड गाइज इसका बेस्ट पार्ट है कि ये स्प्रे पैक है। सो ज्यादातर ना आपको स्प्रे पैक, सो ज्यादातर आपको इस टाइप का टोनर जो मिलेगा ना, इट कम्स इन अ बॉटल फॉर्म, तो उसमें वो ड्रिप बॉटल वाला फॉर्म होता है, आपको कॉटन में लेना पड़ता है एंड देन यू कैन वाइप योर फेस ऑफ। बट आई थिंक उसमें ना प्रोडक्ट वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, बट स्प्रे पैक्स आर जस्ट अमेजिंग। आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो, ट्रैवल फ्रेंडली है एंड जब भी मन करे आफ्टर फेस वॉश आपका स्किन अगर थोड़ा बहुत ड्राई लग रहा हो, यू कैन जस्ट स्प्रिट्स दिस ब्यूटिफुल टोनर ऑन योर फेस एंड ट्रस्ट मी आपका फेस बहुत ज्यादा ग्लो करेगा। ये एक इंस्टेंट ब्राइटनिंग इफेक्ट सच में देता है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू एड इज दैट दिस कंसिस्ट ऑफ 5% नियासिनामाइड। सो आप इसके कोई भी काउंटर पार्ट को देख लो, लाइक मामा अर्थ का टोनर हो गया या फिर डमाको का टोनर, दे ऑल्सो कंटेन द सेम अमाउंट ऑफ नियासिनामाइड, बट समहाउ दिस इज मच माइल्डर। वाई आई एम सेइंग दिस एज बिकॉज मैंने मामा अर्थ का टोनर यूज किया है विच इज अ नियासिन टोनर। आई वॉज यूजिंग दिस प्रीवियसली एंड वो जब मैं लगाती थी ना, मेरे फेस पे थोड़ा बहुत बर्निंग सेंसेशन होता था, बट सिंस टाइम आई हैव बीन यूजिंग दिस पर्टिकुलर टोनर, मेरे स्किन में बिल्कुल भी थोड़ा भी, नॉट इवन 1% वो बर्निंग सेंसेशन मुझे बिल्कुल नहीं होता है एंड इट एब्सोल्युटली सूट्स माय स्किन। यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। सो नाउ कमिंग टू द कॉन ऑफ दिस प्रोडक्ट, सो द ओनली कॉन विच आई काइंड ऑफ फील इज दैट आई रियली डोंट लाइक द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस प्रोडक्ट। फ्रेग्रेंस मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, इट्स अ वेरी माइल्ड फ्रेग्रेंस, बट समहाउ मुझे ना शैम्पू का स्मेल आता है थोड़ा बहुत जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ अपने फेस के ऊपर। सो दैट इज समथिंग आई रियली डोंट लाइक। अगर इसमें थोड़ा बहुत फ्रूटी या फिर विदाउट स्मेल का होता ना, विदाउट एनी फ्रेग्रेंस, आई थिंक दैट वुड हैव बीन मच बेटर। सो आई फील वाउ शुड ट्राई टू डू समथिंग अबाउट दैट,
क्योंकि जिन लोगों को फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम होगा उन लोगों को शायद इस टोनर को लगाने में इश्यूज हो सकता है. लाइक मुझे थोड़ा बहुत होता है, मुझे उतना ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, आई कैन यूज इट एब्सोल्युटली वेल. बट जिन लोगों को बहुत ज्यादा इश्यूज होता है, इरिटेशन होता है फ्रेग्रेंस से, आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू यूज दिस प्रोडक्ट. बट अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. आप इसको एक बार लगाना स्टार्ट करोगे ना तो बिल्कुल ही छोड़ नहीं पाओगे. यू विल गेट अडिक्टेड टू दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. आई एम रियली श्योर अबाउट दैट. सो दिस गेट्स अ 9 आउट ऑफ 10 फ्रॉम मी एंड आई विल हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन टाइप. So that was the review of all the 3 wow products which I got from the last wow sale. And मैं wow के और भी कुछ products already order कर चुकी हूँ. जब वो आएगा I will surely share the unboxing video with all of you. So trust me, मुझे ये तीनों products बहुत अच्छे लगे हैं. जो लोग मुझे काफी time से follow कर रहे हैं उन लोगों को पता ही होगा कि मैं Mamaearth की कितनी बड़ी fan हूँ. But now wow के ये products मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं honestly. So that is why I am recommending it to all of you. So आप चाहो तो आप इसको use कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो. एंड इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं. अगर चाहो तो आप वहां से ऑर्डर कर सकते हो. होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. आई विल बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो. सो टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव. बाय बाय गाइस. थैंक यू.